वर्ल्ड फिजियोथेरेपी दिवस की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। आई एम नैन सिंह, मैनुअल कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने इस नैन सिंह बाबा फिजियोथेरेपी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, वर्ल्ड फिजियोथेरेपी दिवस क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, यह मैं आपको बताता हूँ। वर्ल्ड फिजियोथेरेपी दिवस में जो लोगों को जागरूकता मतलब जागरूकता प्रति और उनको बताया जाता है कि उनके पोस्चर्स को लेके उनके लाइफ डेली की लाइफ स्टाइल में जो कुछ चेंजेस होते हैं जिनकी वजह से हमको जो है ये समस्या होती है, नेचुरल जैसे स्पाइन की या कमर दर्द, कंधे का दर्द, कंधा जाम होना या ऑर्थो न्यूरो मसल्स रिलेटेड जो है कुछ समस्याएँ होती हैं आमतौर पर लोगों में होती हैं। अपने लोगों को पोस्चर जो है उनको बताकर जो उनकी समस्याओं को ठीक किया जा सकता है। फिजियोथेरेपिस्ट जो अपनी अहम भूमिका निभाते हैं उनकी समस्या को ठीक करने में। इन समस्याओं को बिना किसी दवाई के ठीक किया जाता है नेचुरली। इसमें फिजियोथेरेपिस्ट एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग और मसाज टेक्निक, इलेक्ट्रोथेरेपी इत्यादि के द्वारा जो है अपने मरीजों को ठीक करते हैं। कंधा जाम जैसी समस्याओं को एंड घुटनों में रह रहे दर्द व गैप कम हो जाने को भी ये ठीक करते हैं। फिजियोथेरेपी दिवस जो है 8 सितंबर को प्रत्येक साल मनाया जाता है। इसमें फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर को आमंत्रित किया जाता है व इसके प्रति फिजियोथेरेपिस्ट लोगों में अवेयरनेस फैलाई जाती है और उनको बताया जाता है किस तरह से जो है हमको पेशेंट के लिए ये करना है कि उनको किस तरह से ठीक करना है, क्या क्या सर्विस देनी है। अच्छे से अच्छी सर्विस दी जाती हैं। ये मैं आपकी और सामने बैठा हूँ, इसमें मेरे कुछ दोस्त भी आमंत्रित हुए। वीडियो कैसा लगा मेरे कमेंट पर ज़रूर बताएं। क्या आप भी एक फिजियोथेरेपिस्ट हो या आप भी जो है किसी परेशानी से जूझ रहे हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं।